भारत से सटे समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी ऐसी कई साइट्स दबी हुई हैं, जिनके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ वर्षों पहले एक ऐसी ही जगह की खोज हुई थी, जिसके बारे में जानकार हर कोई हैरान था। हम बात कर रहे हैं गुजरात के ऐतिहासिक द्वारका नगरी की, जो आज भी गहरे समंदर में मौजूद है। आइए जानते हैं क्या है यहाँ से जुड़ी कहानी। द्वारका धाम हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक है। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई, ऐसा माना जाता है। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुशस्थली था। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है। यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत एवं समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के दो भाग हैं। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर है, जो श्री द्वारकाधीश मंदिर के नाम से मशहूर है। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा है, इसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास के कई घाट हैं, जिनमें संगम घाट प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर एवं मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है।